आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। देवशिला यात्रा का उत्सव। पिछले दिनों नेपाल सरकार द्वारा काली गंडकी नदी से दो विशाल शिलाखंडों को भारत सरकार को देने का फैसला लिया गया। भारत सरकार ने इस सौगात को हाथों हाथ लिया और इस देवशिला यात्रा को एक उत्सव के रूप में मनाते हुए अयोध्या पहुंचाया जा रहा है। बीते आधी रात को कुशीनगर जनपद से होते हुए देवशिला यात्रा गोरखपुर जनपद पहुंची। गोरखनाथ मंदिर में यात्रियों का भव्य स्वागत हुआ और फिर बुधवार की सुबह यात्रा का पुनः मुहूर्त हुआ। अमेज नाउ की टीम ने देवशिला यात्रा कर रहे कुछ सनातनियों से भी बात की। देखिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि राम लला की प्रतिमा जो बनने वाली है अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में, इसके लिए हम नेपाल से काली गंडकी नदी संसार में शालिग्राम प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। विष्णु का प्रतीक माना जाता है शालिग्राम इस नदी से, और उसी नदी के सिरा से राम जी ने विष्णु के अवतार हैं, उस नदी से ही भगवान राम की बाल काल की प्रतिमा बनना है। ये अयोध्या के ट्रस्ट के लोगों ने तय किया, हमने तो प्रस्ताव किया था कि हम उपलब्ध कराएंगे। वो लोग असरत में थे कि ये किला उपलब्ध हो सकता है, हमने कहा जरूर कराएंगे। और देखिए, 6 महीना के अंदर में नेपाल सरकार, गंडकी प्रदेश सरकार, नेपाली जनता, जानकी मंदिर, जिस अधिकारियों को जिस कानून को, जिस संविधान को हर क्षेत्र में जहाँ प्रयोग होना था वो प्रयोग करने में कहीं कोई बाधा नहीं आई और हम ये शिला उपलब्ध किए, जानकी मंदिर पहुँचाए, वहाँ से कल आज हम यहाँ आए हैं और आज यहाँ अयोध्या ले जाएंगे और अयोध्या जाके कल हस्तांतरण समारोह में उनको हस्तांतरण करेंगे। कैसे दिमाग में आया कि शिला, ये भगवान राम को ही पता है, भगवान राम ने ही शायद मुझसे कहलवाया, उसे कहलवाया है, मैं भी नहीं जानता। जब जनकपुर में विवाह उत्सव हो रहा था उस पर जब आए और जब पता चला कि राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो हमने कहा कि जनकपुर से, क्योंकि जनकपुर और अयोध्या का संबंध प्राचीन काल से है, तो उसमें मिथिला का, जनकपुर का, सीता का योग उपहार के हवाला राम और राम मंदिर का पूरी तस्वीर, पूरा कल्पना अधूरा रह जाता है। ये मेरे दिमाग में आया और मैंने इस प्रस्ताव को रखा, सभी लोगों ने स्वीकार किया। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, लावा, टेक्नोमोटो, ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 9186874190008। ये शिला, ये जिन भूमि पर हम हैं वो ऋषभ देव, जो नारायण श्री हरि का 8वां अवतार ऋषभ देव का पुत्र भरत जी, चक्रवर्ती भरत जी का क्षेत्र में से हम लोग हैं। उनका राज्य हिमालय से समुद्र तक था पहले, उसका तो चक्रवर्ती राजा बोलते हैं। उनका अंतिम उसका जो संन्यास के बाद उसने जहाँ अपने मोक्ष के लिए स्थान चुना था वो कुलाश्रम क्षेत्र है, नेपाल के गलेश्वर क्षेत्र, वो कुलाश्रम क्षेत्र है। उसको जड़ भरत अथवा चक्रवर्ती भरत उसको वो बोलते हैं। वो क्षेत्र में से वो जयंती, मंगलकाली, भद्रकाली, कपालिनी बोल के हम लोग आशीर्वाद लेते हैं ना, उसी जगह इधर ये रहु गंगा है, इधर से मंगला है, उधर से काली है,
ये तीनों को प्रयाग है, वो आदि प्रयाग है। वो आदि प्रयाग के क्षेत्र में से भारत के अपने क्षेत्र में से लाए हैं भारतवर्ष में। जो आपने बताया ना, राजनीति में सीमा होगा, जिला भी होगा, नगर भी होगा, राज्य भी होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन आध्यात्म में भारतवर्ष है। ये भारतवर्ष हिमालय से समुद्र तक एक ही संस्कृति पे है, उसमें तो हम नेपाल और भारत देखते ही नहीं है। आपको बता दें कि इस शिला यात्रा में दो विशाल शिलाखंड ट्रकों पर रखकर अयोध्या भेजे जा रहे हैं और आखिरी वाहन में लगातार विधि विधान से हवन यज्ञ पूजन चल रहा है। देखते रहिए अमेज़ नाउ।